हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं गणपति बप्पा का बहुत ही फेवरेट भोग मोदक। मोदक की मैंने पहले भी दो रेसिपी शेयर की है, अब मैं बना रही हूं पान की मोदक, जो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, बिना खोवा या मिल्क मेड के, उन चीज़ों से जो ईजिली हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस। तो ऐसे टेस्टी मोदक के लिए मैंने लिए हैं, यह है पान के पत्ते 5, उसके अलावा यह है डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे खोबरा किस भी कहा जाता है, यह है 2 कटोरी, उसके अलावा 1/2 लीटर दूध है, और यह है 1/2 कप शक्कर, उसके अलावा 2 बड़े चम्मच गुलकंद है, यह है चेरी, हरी इलायची, काजू, बादाम, किशमिश। सबसे पहले मैं पान के पत्तों का पेस्ट बनाएंगे, उसके लिए मैंने पान के पत्ते को अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद कॉर्नर्स में जो डंडिया होती है उसे तोड़ के अब मैंने हाथ से बारीक तोड़ के मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। आप चाहो तो चाकू से भी बारीक इसे चॉप करके डाल सकते हो। अब हम इसे डायरेक्ट ऐसे ही ग्राइंड करेंगे तो फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 1 स्पून कोकोनट डाल दिया है और 2 स्पून मिल्क डाल रही हूँ, ताकि ग्राइंड करने में हमें आसानी हो। आप चाहो तो डायरेक्ट पान के पत्ते भी ग्राइंड कर सकते हो। अब मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, इसका एकदम स्मूथ और फाइन पेस्ट बनके रेडी है। अगर हम सिर्फ पान के पत्तों को ग्राइंड करेंगे तो इतना स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा, इसलिए मैंने कोकोनट डाल दिया है। हमारा पेस्ट बनके रेडी है, इसे मैं रख रही हूँ साइड में। अब मैंने रखा है एक पैन, पैन में अब मैं डाल रही हूँ दूध। जिस कप से मैंने 2 कप कोकोनट काउंट किया था, सेम उसी कप से मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। ये पूरा 1/2 लीटर दूध है, जिसे मैंने पहले से उबाल के ठंडा कर लिया था। अब मैं इसे गैस के ऊपर रखी हूँ। अब इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें उबाल नहीं आएगा। उबाल आने के बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एकदम गाढ़ा होते तक, 1/2 कप दूध होते तक पकाऊंगी। मतलब हम इसका खोवा बनाने वाले हैं। खोवा बनाने से जो थोड़ा पहले का स्टेज होता है, तब हम लोग इसमें कोकोनट मिक्स करेंगे। अब दूध में अच्छे से उबाल आ गया, मैं गैस का फ्लेम स्लो करके बीच बीच में मिक्स करते हुए इसे 1/2 कप होते तक पकाऊंगी, जैसे हम लोग खोवा बनाते हैं। खोवा बनाने के पहले वाली जो कंसिस्टेंसी होती है, उस तक हमें पकाना है। जैसे उतना हो जाएगा और 2 मिनट पकाऊंगी तो ये खोवा बन जाएगा, बट मैं नहीं पका रही हूँ। उसके पहले मैं इसमें डाल रही हूँ खोबरा खीस, ये 2 कटोरी है। जिस कटोरी से मैंने दूध को काउंट किया था, उसी कटोरी से ये 2 कटोरी है। अब मैं डाल के इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम स्लो रखना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, शक्कर 1/2 कटोरी है। 1/2 कटोरी सफिशियंट है, क्योंकि हम लोग गुलकंद यूज़ करेंगे तो उसमें भी मीठा ज़्यादा ही रहता है, और चेरी उसमें भी मीठापन रहता है, कोकोनट में भी थोड़ा मीठापन रहता है, इसलिए मैंने 1/2 कप शक्कर यूज़ की है। अब जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था पान को, वो भी मैं डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो थोड़ी सी शक्कर और बढ़ा सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना शक्कर सफिशिएंट है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बन के रेडी है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग थोड़ा सा बैटर लेंगे। बैटर लेके उसका गोला बना के देखेंगे। अगर हमारा गोला बिना चिपचिपाहट के एकदम अच्छे से बनता है इस तरीके से, तो हमारा बैटर बनके रेडी है। अब ये बनके रेडी है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। धीमी आंच पे मैंने 5 मिनट तक इनको भुना है, पान का बैटर डालने के बाद। अब ये ठंडा हो गया है, मैं इसे चेक कर रही हूँ। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और अच्छे से जम गया है। अब ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने काट लिया है, काट के मैं इनको साइड में रख रही हूँ। अब मैं एक बाउल लेके सारी चीज़ें उस बाउल में डालूंगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 स्पून गुलकंद, उसके बाद सारी ड्राई फ्रूट्स में डालने वाली हूँ। ये है बारीक कटा बादाम, बारीक कटा काजू, उसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें किशमिश और बारीक कटा हुआ चेरी, और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी भी मैंने डाला है। उसके अलावा ये है कुटा हुआ इलायची डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये बाउल में मिक्स नहीं हो रहा, इसलिए मैंने इसको एक बड़े से प्लेट में डाल दिया है। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे एक बार बना के ज़रूर देखना। आप इसे एज अ प्रसाद के अलावा एज अ स्वीट डिश, डिज़र्ट भी बना के खुद भी खा सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी खिला सकते हो, सबको बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारे मोदक का स्टफिंग बैटर दोनों रेडी है। मैंने लिया है मोदक का साँचा, थोड़ा सा मोदक का बैटर लेके साँचे में अच्छे से भर रही हूँ। भर के अब मैं मोदक के साँचे को बंद करूँगी। बंद करने के बाद उंगली से दबाते हुए जो मोदक का बैटर है उसको मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ, और बीच में से थोड़ा सा स्पेस बना रही हूँ, ताकि हम लोग गुलकंद और ड्राई फ्रूट का जो स्टफिंग है उसमें भर सकें। मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट का पोर्शन लिया है, लेके मोदक के अंदर डाला है, उसके बाद थोड़ा सा और बैटर लेके उसे कवर कर रही हूँ।
अच्छे से इसे हमें दबाते हुए भरना है। भरने के बाद अब मैं मोदक का साँचा ओपन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया मोदक बनके रेडी है। कलर भी बहुत अच्छा है, शेप भी बहुत सुंदर है। मैं इसे रख रही हूँ साइड में। मैं एक और मोदक बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है, मोदक के साँचे में भरा है। भरने के बाद अब मैं मोदक का साँचा बंद करूँगी। बंद करने के बाद उंगली से दबाते हुए हमें इसे प्रेस करना है। अगर साइड में थोड़ा सा बैटर लगा तो उसको निकाल देंगे। अब उंगली से दबाते हुए सारे बैटर को अच्छे से सेट करने के बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और गुलकंद का स्टफिंग लेकर बीच में डाल के अच्छे से दबा के थोड़ा सा और मोदक का बैटर लेके उसे कवर करेंगे। कवर करने के बाद अब हम मोदक का साँचा ओपन करेंगे। मोदक बन के रेडी है। एक और तरीका है मोदक बनाने का साँचे से, मैं वो भी दिखा रही हूँ। मोदक के साँचे को हम लोग पहले बंद करेंगे, पूरे स्टफिंग को इसके अंदर डालेंगे। डाल के फिंगर से थोड़ा सा होल करके इसके अंदर ड्राई फ्रूट और गुलकंद का स्टफिंग डाल देंगे। डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा और मोदक का बैटर डाल के उसे कवर कर देंगे। बस हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया मोदक बन के रेडी है। सारे मोदक इसी तरीके से बनाएंगे। सारे मोदक बनके रेडी हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम चीज़ों में बनता है। आप भी ये मोदक बनाइए, गणेश जी को भोग लगाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।